और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। मुरादनगर में कृष्णा विद्या निकेतन के बच्चों ने किया अच्छा प्रदर्शन। सीबीएसई के द्वारा कक्षा 10 व 12 का बोर्ड रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसमें कृष्णा विद्या निकेतन मुरादनगर के बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। विद्यालय ने आज सभी अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया। विद्यालय के मैनेजर विकास राणा व प्रधानाचार्य कल्पना त्यागी ने सभी विद्यार्थियों के उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। विद्यालय के मैनेजर विकास राणा ने कहा कि अच्छे परिणाम से बच्चों में आत्मविश्वास आता है, लेकिन जिनके परिणाम अच्छे नहीं आए उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जिंदगी में हर अनुभव की कीमत है और भविष्य में बेहतर करने के तमाम मौके और मिलेंगे। तनाव रहित और धैर्यपूर्ण जीवन आपके भविष्य को उज्जवल बनाएगा। स्कूल के मैनेजर विकास राणा ने स्कूल का परिणाम बताते हुए बताया कि स्कूल में कक्षा 10 में कुल छात्र 180 तथा उत्तीर्ण छात्र 178, कक्षा 12 में कुल छात्र 162, उत्तीर्ण छात्र 158 है। कक्षा 12 में 90% से ऊपर अंक लाने वाले 8 छात्र हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं: प्रणव कुमार त्यागी 92.8%, स्पर्श त्यागी 92%, स्नेहा त्यागी 91.8%, आदित्य शर्मा 91.6%, श्रेयसी त्यागी 91%, काकुल गुप्ता 90.6%, उज्ज्वल त्यागी 90.2% और आयुष 90% अंक लाए हैं। कक्षा 10 में 90% से ऊपर अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 7 है। इसमें पर्व त्यागी के 98.4% अंक रहे, जिसमें विज्ञान गणित और कंप्यूटर में 100% स्कोर किया, तो वहीं लक्ष्य अग्रवाल 94.6%, प्रवीण साहू 94%, दिशा 93%, जानवी 92.4%, अनुकल्प सिंघल 91.4% और नव्या ने 90% अंक प्राप्त किए। गाजियाबाद से रोजुद्दीन की रिपोर्ट। आपके स्कूल का क्या रिजल्ट रहा, कुछ बच्चों का बताइए। हाँ, हमारे विद्यालय में फुल क्लास 10th में 162 बच्चों ने पेपर दिया था, क्लास 12th में 180 बच्चों ने पेपर दिया, जिसमें से क्लास 10th में 2 बच्चों का एसेंशियल रिपीट है, यानी हमारी बात करें तो वो फेल है, बाकी सारे बच्चे पास हैं। हम अगर ये क्लास 12th की बात करें तो वहाँ क्लास 12th में 180 में से 6 बच्चे फेल हैं, बाकी सभी बच्चे पास हैं। जिस तरीके से आपका एक रिकॉर्ड रहा है बच्चों का 12th का, उस बच्चों के बारे में बताइए कि 90 अबाउट कितने बच्चे परसेंटेज हैं। हाँ, हमारा क्लास 12th में 8 बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किया है, जिसमें PCM में हमारे 6 बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किया है और PCB में 2 बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किया, तो ऐसे कुल मिला के 8 बच्चों ने हमारे 90% से ऊपर स्कोर किया। और अब जो है बच्चों का जो 10th वालों का है उनके लिए क्या रहेगा, क्योंकि अब वो 11th और 12th भी यहीं से रखेंगे, उनके लिए क्या रिकॉर्ड्स हैं? क्लास 12th में हमारे कुल 7 बच्चों ने 90% से ऊपर स्कोर किया है और अभी हम लोग क्लास 10th के क्लास 11th में बच्चों को क्लास चलाने शुरू कर दिया है, और इवन क्लास 10th में जो हमारा एक बच्चा आया है पर्व त्यागी, उसने 3 सब्जेक्ट में 100 out of 100, यानी जितने मार्क्स का पेपर है उतने पूरे में पूरे मार्क्स उसने प्राप्त किए। इसका श्रेय आपके बच्चे जो 90+ मार्क्स ले, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो हमारे अध्यापक हैं, हमारे प्रिंसिपल मैम हैं, उन सभी की मेहनत और उन बच्चों के माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छा सा घर में माहौल दिया, और इस सब का श्रेय उन बच्चों के माता पिता को और अध्यापकों को दिया जाना चाहिए। मैं भी उन्हीं को उसका श्रेय देना चाहता हूं, और बच्चों को बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फाइनली मेहनत है वो तो सबसे ज़्यादा उन बच्चों ने की है। कृष्णा विद्या निकेतन स्कूल का जो रिकॉर्ड इस बार रहा है, क्या लगता है कि अगली बार का रिकॉर्ड टीचर पूरी मेहनत करके उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार अगर कुछ थोड़ी बहुत कुछ कमी रह भी गई है तो वो हम अगले सत्र तक पूरी करेंगे और हम एक अच्छा रिजल्ट अगले साल आप सबके साथ शेयर करेंगे। बाकी बच्चों के लिए क्या संदेश है आपका? बाकी जो भी बच्चे हैं वो सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दें। मुझे लगता है बच्चे की अपनी मेहनत ज़्यादा उसे कामयाब करने के लिए ज़रूरी है। जो बच्चे इधर उधर कुछ पढ़ने के चक्कर में रहते हैं वो बच्चे अपना समय नष्ट ज़्यादा करते हैं। बच्चे खुद से अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने जो अध्यापक स्कूल में हैं उनके ऊपर विश्वास रखें, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसे घर जाके अच्छे से पढ़ें, इधर उधर भटकने की बजाय वो अपने स्कूल की पढ़ाई चीज़ों को ही दोहराएं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा समय स्वाध्याय पे लगाएं, सेल्फ स्टडी पे लगाएं, तो उनका रिजल्ट मुझे लगता है अच्छा रहेगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।